रामानंद सेवा समिति द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर गरबा का शुभारंभ किया और माता की आरती भी की। ये आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के खेल मैदान में किया जा रहा है। शुभारंभ मौके पर खनिज मंत्री, कलेक्टर संदीप जीआर, डीआईजी विवेक राज सिंह, एसपी सचिन शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बॉबी राजा, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, रामानंद सेवा समिति के अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष गिरिजा पाटकर सहित संरक्षक अर्चना सिंह और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने गरबा किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भी सपत्नीक गरबा किया। गरबा का शुरुआत हो गया है और ये 4 दिन चलेगा और देखिए आप कितनी धूम है, कितनी उत्साह है, कितना उमंग है बच्चियों में, महिलाओं में, उनके घर वालों में, सभी लोग आए हैं बड़े उत्साह के साथ। यहाँ पे गरबा महोत्सव हो रहा है आज। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे बैंक, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे सभी पार्षद बंधु यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, कि कितना उत्साह है, कितना उमंग है और उद्देश्य यही है कि अपनी, ये तो अपनी संस्कृति है गरबा महोत्सव। ये गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य है और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अपनी संस्कृति हर जगह फैले, यही हमारी कोशिश है।